सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को साथ लेकर चलने वाली भाजपा दिन प्रतिदिन सदस्यता अभियान के माध्यम से नए सदस्यों को पार्टी में शामिल कर रही है। इसी के तहत रविवार को नत्थू कॉलोनी चौक पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन अशोक नगर मंडल अध्यक्ष विकास त्यागी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता लेकर मोदी मिशन में शामिल हो गए। इस अवसर पर सभी नए सदस्यों को भाजपा का पटका पहनाकर उनका पार्टी में शामिल होने पर सम्मान किया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी को भी शामिल होना था, मगर किसी कारणवश वे नहीं आ पाए, तो सांसद सचिव अंबिकेश पांडे ने कार्यक्रम में पहुंचकर नए सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम नवीन साधक जिला अध्यक्ष कैलाश जैन के निर्देशन पर किया गया, जिसमें जोन चेयरमैन परवेश शर्मा ने भी शिरकत की। जो भी नए सदस्य बन रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मोदी जी से प्रभावित होकर के हमारे सदस्य बन रहे हैं। मेरा केवल उनसे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद अ डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी परिवारवाद पर नहीं चलती है, हमारी पार्टी एक पंच निष्ठाओं के ऊपर या अपने सिद्धांतों पर चलती है। तो उन्हीं निष्ठाओं को लेकर के, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के, और जो मोदी जी ने जनता के हित के काम किए हैं, देश के हित के काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। आज नवीन शहादा जिले के अंदर दो मंडलों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य अभियान चलाया गया, एक अशोक नगर मंडल में और एक रामनगर मंडल में। रामनगर मंडल में हमारे जो पार्षद परवेश शर्मा जी हैं, जो उनके चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सुबह 10 बजे से अरे बहुत बड़ी संख्या में आज परिवार लोग 300 करीब में 250 करीब में सदस्य बनाए। इनके सारे मंडल अध्यक्ष जी ने सारे टीमें लिखे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्य अभियान चलाया है। मैं जो लोगों का जोश मैंने देखा है, लोग अपने आप ही रुक रुक के नरेंद्र मोदी का बैनर देख के स्वयं अपने आप रोक रोक के मिस कॉल मार के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने हैं। इससे एक लहर चली हुई है कि भाजपा में जुड़ने के लिए। आज ये अभी मैं अशोक नगर में भी गया, अशोक नगर में 300-400 कार्यकर्ता अपने आप मोटरसाइकिल रोक रोक के भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। और आज नवीन शहादा जिले में लगभग दोनों जगह हमने 1000 के करीब में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए। हमारा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और संगठन मंत्री माननीय सिद्धार्थन जी के कहने पर, आज के आदेश पर, उनके निर्देश पर, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिले के अंदर हर मंडल में एक कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे मंडल में एक कार्यक्रम शुरू 10 बजे शुरू किया गया और बहुत जोश के साथ लोगों ने बहुत जोश के साथ इसको आज किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मेंबरशिप कार्यक्रम में, और 1.5 लाख से ऊपर हमारे जिले की मेंबरशिप क्रॉस कर गई है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा मनोज तिवारी जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम है, जिस वजह से उनको यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत हुआ, नहीं आ पाए। बाकी देखिए, देश हित में जो पार्टी काम कर रही है, जो देश के लिए काम कर रही है, उस वहाँ पे उससे जुड़ने के लिए देश के युवा, देश के हर नागरिक तैयार है। और देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि भाई अपने देश के लिए, जो हिंद के लिए काम करते हैं, उसके साथ हम हैं। और लोग ऐसे जुड़े और भी लोग जुड़े और आगे बढ़ाए इस पार्टी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी, जो कि भाजपा के हर बूथ पर नए सदस्यों के बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाले कई कार्य देश हित में किए, जिनका प्रभाव जनता पर पड़ा और अब जनता चाहती है कि वह भाजपा का साथ दे। इस कैंप के आयोजक विकास त्यागी व सांसद प्रतिनिधि बाबरपुर विधानसभा वीरेंद्र खंडेलवाल और उसकी टीम ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हमारे यहाँ जो स्वच्छता अभियान अशोकनगर मंडल भाजपा में चला है, वो बहुत ही अच्छा चला है। अच्छी संख्या में भीड़ भी थी और अच्छी संख्या में स्वच्छता ग्रहण भी करी लोगों ने, और सब कुछ पॉजिटिव है। युवाओं में बहुत उत्साह है सदस्य बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारत पॉजिटिव, बीजेपी पॉजिटिव, भारत पॉजिटिव। ये अशोकनगर मंडल का सराहनीय प्रयास है। जिला नवीन चावड़ा में संगठन पर्व के उत्सव में ये हम यहाँ पे सदस्य बना रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपने आप स्वयं आकर यहाँ सदस्य बनने के इच्छुक हैं, जो हमारी पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े सपने को साकार करने में बहुत एक सराहनीय कदम है। ये सदस्यता संगठन सदस्यता पर्व के तहत एक ये भी कैंप लगाया गया, जो नत्थू चौक पर लगाया गया है, जिसमें भाई विकास त्यागी वह युवा मोर्चा ने पूरा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और सुबह से ये कैंप चल रहा है लगभग 12:30 बजे से, और अभी हमारा पूरा इरादा शाम तक
तक इसे पूरा करने का, कम से कम 500 मेंबर हम यहाँ से बना करके उठाइए, हम प्रण ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी अपना आज पूरे जिले ने यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें अभी 150 से 200 के करीब मेंबर बन चुके हैं। ये हमारा कार्यक्रम शाम के 5 बजे तक चलने वाला है और इसमें हमारा अधिकतर कम से कम 500 से 600 का टारगेट हम लेके चलने की शाम तक इसको पूरा करेंगे। हमारे वार्ड में आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और ये पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मोदी जी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि जो विधानसभा के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये आंकड़े लगाए जाएंगे कि अपने बीजेपी के कितने सदस्य हैं। तो इससे जीत का बिल्कुल बच जाए कि हमारे इतने बीजेपी के सदस्य हैं, सदस्य बन रहे हैं और हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े। दिल्ली में जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जिले के अंदर इस रफ्तार से चल रहा है कि यहाँ भीड़ लगी हुई है नए सदस्य बनने की, आपस में होड़ लगी हुई है कौन कितने सदस्य बना सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बिल्कुल पूरा करके दिखाया है, जो जो उन्होंने वादे किए थे उन पर पूरी तरह से हर चीज से ये उन्होंने पूरी तरह से अमल करा है और पूरी जनता उनसे बहुत खुश है। रोज हम सदस्य अभियान चालू करते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे 500 से 1000 लोगों की तादाद में एक जिले में इतने लोग इतने हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए जो नए सदस्य बीजेपी में जुड़े हैं, आप ये देखिए कि वैसे बीजेपी विश्व के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के अंदर है और जो नए सदस्य जुड़े हैं अभी वो इस बात का प्रतीक है कि जो मोदी जी है ना वो एक इंसान के रूप में अवतार है, भारत की धरती पर एक अवतार अवतरित हुआ है जिसको भारत माता का कल्याण करने के लिए वो इस धरती पर उतरे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रियंक जैन, निगम पार्षद रीना महेश्वरी के साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा। प्रिंस सोलंकी के साथ कपिल कुमार, तेज निगाहें दिल्ली।